Hey guys, welcome back to my channel Curly Confidence. I'm Dipali. So today I'm going to show you some last minute Diwali outfits जो कि मैं अपने इन कुछ कपड़ों से recreate करने वाली हूँ. मैं पहले भी इन कपड़ों को use कर चुकी हूँ. So let's get started. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो. This is my ID. मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा fashion updates डालती रहती हूँ. So without further delay, let's start with the video. तो ये जो मेरा पहला लुक है, दिस इज़ अ मलमल कॉटन स्कर्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और फ्लेयर्ड है. मैंने इसको अपने एक कॉटन के ब्लाउज़ के साथ पैरअप किया है, जो आपने पहले भी देखा होगा मुझे एक लहंगा साड़ी के साथ पैरअप किए हुए. सो मैंने बहुत सिंपल सा लुक रखा है. जिनको ज़्यादा ड्रेसअप होने का मन नहीं है, सो आप कोई सा भी अपना कॉटन का स्कर्ट लेके उसको एक अच्छे ब्लाउज़ के साथ ड्रेसअप कर सकते हो. मैंने ये स्कर्ट को पहले भी बहुत ज़्यादा यूज़ करके बहुत ज़्यादा लुक्स क्रिएट किए हैं इसके. आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल में जाके. ऐसे स्कर्ट्स को आप कुर्तों के साथ या कुछ फुल स्लीव्स ब्लाउज या कुछ रेगुलर टॉप्स के साथ भी पेयर कर सकते हो. अगर आपके पास ऐसी कोई कॉटन की स्कर्ट है तो आप श्योरली उसको दिवाली पे कैरी कर सकते हो, अगर अभी तक आपने कोई अपनी दिवाली की आउटफिट डिसाइड नहीं की है तो. सो मैंने इस लुक को बहुत ज़्यादा मिनिमल रखा है. मैंने सिर्फ इयररिंग्स पहने हुए हैं कान में और थोड़े बहुत कड़े डाले हुए हैं, क्योंकि ये लुक को मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल रखना था, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट येट सोबर. सेकेंड लुक में मैंने अपनी एक प्लेन सी साड़ी को, जो कि टिशू की है, पेपलम टॉप के साथ स्टाइल किया है. इस साड़ी को मैं ऑलरेडी बहुत सारे वेज में पहले स्टाइल कर चुकी हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे चेक कर सकते हो. और ये जो पेपलम टॉप है, मैंने इसको अपने एक लहंगे के साथ पहले कैरी किया था. आप श्योरली इसको वीडियो में देखोगे, मैंने इसकी क्लिप डाली है. सो ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और ट्रेडिशनल लग रहा है देखने में. आप ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास कोई पेपलम टॉप है और कुछ कोई प्लेन सी साड़ी है तो आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके अपना एक आउटफिट बना सकते हो. आप देख रहे हो ये पेपलम टॉप मैंने पहले लहंगे के साथ कैरी किया था और अब मैंने इसको साड़ी के साथ कैरी किया है. दोनों कितने ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहे हैं. सो इस लुक में मैंने एक हाथ में कड़े डाले हुए हैं और दूसरे हाथ में मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ डाली हुई हैं. बाल में मैंने एक गुलाब का फूल लगाया है जो कि मेरे लुक को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. और मैंने इसके साथ कुंदन का सेट पहना हुआ है जो कि पूरे लुक को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. सो ये लुक बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद है. आप लोग भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, ट्रेडिशनल एंड ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट लगेगा. पेपलम टॉप के साथ आप साड़ी को दोनों स्टाइल्स में कैरी कर सकते हो, सीधे पल्ले के साथ भी और उल्टे पल्ले के साथ ही. मैंने आपको दोनों करके दिखाया है और दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं. जो हमारा थर्ड लुक है, उसमें मैंने एक प्लेन साटन की साड़ी को एक ब्लॉक प्रिंट के ब्लाउज़ के साथ पैरअप किया है और मैंने सिंपल रखा है लुक को, बहुत ज़्यादा एलिगेंट. उसमें सिर्फ मैंने ब्लैक मेटल की इयररिंग्स कैरी की हुई है, हाथ पे मैंने कुछ ब्लैक मेटल की चूड़ियाँ डाली हुई हैं. इस साटन की साड़ी को पहले मैंने सेम ब्लाउज़ के साथ कैरी किया था, आप देख सकते हो वीडियो में, और तब भी वो इतना अच्छा लग रहा था. बट ब्लॉक प्रिंट के साथ मुझे ये बहुत ज़्यादा और अच्छा लग रहा है. मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. आप बहुत ज़्यादा सिंपल लुक है तो आप रिंग्स वगैरह कैरी कर सकते हो. आप देख रहे हो मैंने इस ब्लाउज़ को पहले ग्रीन साड़ी के साथ कैरी किया था, वो भी इतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है. तो गाइज़, आप ऐसा थोड़ा मिस मैच करके एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो. इस लुक में मैंने अपनी साटन की साड़ी के ब्लाउज़ के साथ लहंगे को कैरी किया है और इसके साथ एक ऑफ वाइट दुपट्टा कैरी किया है. बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत ज़्यादा पेस्टल शेड वाला लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसको क्रिएट करके. और मुझे पर्सनली, जैसे मैंने लहंगे को पहले कैरी किया था उसकी बजाय मुझे अभी ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब मैंने इसको अब क्रिएट किया है. मैंने सिर्फ इयररिंग्स डाले हुए हैं कान में, उसके बाद भी लुक बहुत ही ज़्यादा मिनिमल और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे. आई होप आप लोगों को भी ये इतना ही अच्छा लग रहा होगा.
सो इस लुक में मैंने अपनी एक ऑर्गेन्जा साड़ी को जो मैं पहले कैरी कर चुकी हूँ एकदम सेम प्रिंटेड ब्लाउज के साथ, अब मैंने इसको एक डिफरेंट कलर डाल के कैरी किया है और मुझे ये वाला लुक बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा राधा देन जब मैंने इसको पहले सेम ब्लाउज के साथ कैरी किया था। सो लुक बहुत सिंपल है, मैंने कान में मिरर वर्क थोड़े ऑक्सीडाइज टाइप के इयररिंग्स डाले हुए हैं। सो ये लुक भी बहुत सिंपल स्मार्ट और ब्यूटीफुल है जो आपकी दिवाली पार्टीज के लिए एकदम बेस्ट रहेगा, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो। इस लुक में मैंने अपने एक ग्रीन कलर के रॉसल के पूरे सेट को सूट सेट को एक हैवी दुपट्टे के साथ कैरी किया है। आपने दुपट्टा पहले भी देखा होगा मेरे दुपट्टे वाले कलेक्शन में, नेक पे मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नेक पीस पहना हुआ है क्योंकि सूट मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है सूट में, जस्ट वो एक सिल्क का सूट है और मैंने उसको हैवी दुपट्टे के साथ कैरी किया है। मैंने एक और ऐसा स्टाइलिंग करके बताया था इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो वीडियो में, ऐसी सेम मेरे पास रेड कलर का सूट है, मैंने उसको सेम दुपट्टे के साथ कैरी किया है। जो लास्ट वाला लुक है उसमें मैंने सिंपल सा एक अपना सूट कैरी किया हुआ है प्लाजो के साथ। अगर आपके पास इनमें से जो भी मैंने आइडियाज़ बताए कुछ भी आप मिसमैच नहीं कर पा रहे हो तो अपने एक सिंपल सा सूट आप पिक करो, उसको आप कुछ हैवी इयररिंग्स के साथ कैरी करो, वो भी बहुत एलिगेंट सिंपल लगेगा। और एट द सेम टाइम अगर किसी को ज़्यादा ड्रेसअप करने का मन नहीं है वो भी ऐसा लुक कैरी कर सकता है, सिंपल सोबर और एट द सेम टाइम फेस्टिव भी लगेगा। सो गाइज ये थे कुछ दिवाली मिनिमल लुक्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो आपका फेवरेट लुक कौन सा था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।